press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मैट्रिसेस पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है। पिछले वीडियोस में हम लोग 4 का 1 बनाए थे, इसमें हम लोग 4 का 2 बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे दिया गया है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ठीक है, ए आई जे बराबर आई वाई जे है, तो आप 2x2 का मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ए बराबर कोई मैट्रिक्स 2x2 का लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ए बराबर 2x2 का मैट्रिक्स लिखिए, जैसे A11, A12, A21 और ये हो गया आपका A22, ये आपके 2x2 का मैट्रिक्स रहा, ठीक है। पिछले वीडियोज में बताया गया था ये कैसे 2x2 का मैट्रिक्स आया है ना। अब हम लोग ए आई जे बराबर आई वाई जे है, तो ये सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए ए आई जे बराबर कितना है आई वाई जे, तो पहले निकालेंगे हम लोग A11 का, ठीक है, देख लीजिए A11 बराबर, तो आई के जगह पे 1 है और जे के जगह पे भी 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1 को, तो ये हो जाएगा 1/1, इसका रिजल्ट हुआ 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे A12 का, इसका A12 का, तो ध्यान दीजिएगा पहले वाला आई होता है, दूसरे वाला जे होता है, तो आई के जगह पे हम 1 को रखेंगे और जे के जगह पे 2 को रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे A21 का, देख लीजिए A21 बराबर, तो i के जगह पे हम 2 को लिखेंगे और j के जगह पे 1 को लिखेंगे, तो हो जाएगा 2/1, इसका रिजल्ट होगा 2। अब हम निकालेंगे A22 का रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए A22 बराबर i के जगह पे हम लिखेंगे 2 को और j के जगह पे लिखेंगे भी 2 को, i के जगह पे 2 और j के जगह पे भी 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2/2, कट के 1 आया। आप सबका मान निकाल लिए, अब लिखेंगे नाउ ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 का मान कितना निकला है, A11 का मान निकला है 1, तो यहां पे लिख दीजिए 1। A12 का कितना मान निकला है, तो 1/2, यहां पे लिख देंगे सीधे 1/2। उसके बाद A21, तो A21 का मान आया है 2, तो यहां पे लिख देंगे 2। A22 का मान आया 1, तो यहां पे लिख देंगे 1। यही जो रिजल्ट है, यही जो मैट्रिक्स बना, सो आपका आंसर आ गया। यदि ये वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले।